बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी डिस्कशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो फर्दर डिटेल है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस तरह से उनकी वैल्यू डिडक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो हम कहाँ से देखेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हम एक सरफेस ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर एक चार्ज रखेंगे। कोई भी सरफेस हो सकती है, बिल्कुल राउंड स्फीयर की तरह हो सकती है, कोई भी और शेप की सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो उस सरफेस के अंदर हम देखेंगे कि चार्ज पड़ा हुआ है और उस चार्ज के इर्द गिर्द किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस तरह से उसके ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट किस तरह से होगी। और थर्ड टॉपिक है आपके पास गॉसेज लॉ। आज के लेक्चर में हम ये तीन टॉपिक्स जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लक्स लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो। ये सिर्फ इसका लफ्जी मतलब है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं हम कह सकते। तो फ्लो से हमें इसकी डेफिनेशन पता चलेगी कि फ्लो किस चीज़ का फ्लो है। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं, फिजिकल डेफिनेशन। फिजिकली हम इसकी क्या डेफिनेशन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो किसी सर्टेन एरिया से पास करें, ठीक है, किस तरह से पास करें, पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया पर यूनिट, किस तरह से पास कर रही हैं, किसी एक फिक्स एरिया के अंदर से पास कर रही हैं, ठीक है, इन दैट टाइम के उतने यूनिट टाइम के अंदर से, के यूनिट चार्ज के अंदर से वो किस तरह से पास करती हैं, उन लाइन्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन मैं लिखती हूँ, इसकी फिजिकल डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन कि हम फिजिकली इसको किस तरह से डील करते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किस तरह से है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी उस एरिया के अंदर से पास करेंगी, उसको हम बोलेंगे कि ये है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी मैं एक स्मॉल सी डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ कि एक एरिया में से गुजरने वाली लाइंस कितनी लाइंस एक वक्त में पास कर रही हैं, उसको हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ। लेट सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज से बनने वाली फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से कहीं से गुजरते हुए आ रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वक्त में किसी यूनिट एरिया के अंदर से पास करते हैं। यूनिट एरिया का क्या मतलब होता है, यूनिट एरिया होता है कि कोई भी स्मॉल सा एरिया, मैं आपको डायग्राम में बना के बताती हूँ कि सपोज कर लो ये है एक यूनिट एरिया। अब इस बॉक्स के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कितनी पास कर रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस वक्त इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 5, ठीक है। अब यही एरिया, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, एरिया की हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, एरिया की जगह चेंज कर दी, यूनिट एरिया की जगह चेंज कर दी। तो अब हम क्या देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि हमने उसको जिस जगह से वो लाइंस निकल रही हैं वहाँ से वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, और जैसे जैसे वो आगे आगे मूव करती हैं लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर हो जाती हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने करीब उसको देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी पास कर रही थी, 5 लाइन्स पास कर रही हैं, तो इस वक्त इसका फ्लक्स कितना है, 5। यहाँ पे देखते हैं कितनी लाइन्स पास कर रही हैं, 1, 2, 3। यहाँ पे इसका फ्लक्स कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपकी बेसिक डेफिनेशन, जो कि फिजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किस तरह से है आपकी, कि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, ए की बात है। तो इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमें क्या कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दैट डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। वेक्टर एरिया का क्या मतलब है, कि अगर ये एक एरिया है आपके पास इस तरह से पड़ा है, पहले तक आप लोगों को सिर्फ ये पता था कि एरिया कोई चीज़ होती है, मतलब एग्जिस्ट करता है एरिया, लेकिन अब क्या है, वेक्टर एरिया, एरिया जिस जगह पर पड़ा होगा उसकी डायरेक्शन, अब हर चीज़ की डायरेक्शन जो है वो काउंट होगी। एरिया तो है लेकिन इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल। ये एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बॉक्स है आपके पास जो कि एरिया को शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल। एरिया तो ए है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए एन, एन क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को वो शो कर रहा है। एरिया अगर इस डायरेक्शन में पड़ा है तो उसका यूनिट वेक्टर एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम उसके ये वाली डायरेक्शन को काउंट करेंगे। अगर एरिया पड़ा हुआ है इस तरह से परपेंडिकुलर, तो इसका नॉर्मल टू द सरफेस क्या होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, और इस डायरेक्शन में हम इसका एरिया या फिर ये वाली इसकी ये मैग्नीट्यूड होगी और ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हमने एरिया को सिंपल एरिया नहीं लिखना बल्कि वेक्टर एरिया हमने काउंट करना है। ये हो गई वेक्टर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हमने इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पढ़ी है, तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से आपको क्या पता चल रहा है, कि यहाँ से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, ई का और ए का, ठीक है। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस चीज़ के साथ शो करते हैं, उसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं फाइव। फ्लक्स क्योंकि इलेक्ट्रिक भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, अभी तक आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अवेयर हैं, सो फाई के साथ आप लोग सिंबल लिखोगे बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई, ताकि ये पता चले कि ये कौन से वाला फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, ये हो गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि जब भी आप लोग डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह से होता है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फाई ई आपका क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या चीज़ है, एंगल है, किस किस के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई की क्या डायरेक्शन है, ए की क्या डायरेक्शन है, उनके बीच में कौन सा एंगल एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू 90 है, 30 है, 0 है, कोई भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा की जगह पर, तो इसकी प्रॉपर फाई की न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिपेंडेंस, के आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात नंबर, नंबर किस चीज़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी जब ज़्यादा लाइंस पास करेंगी एरिया के अंदर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कम होगी जब एरिया के अंदर से लाइंस जो हैं वो कम पास करेंगी। पहली डिपेंडेंस इसकी ये हो गई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर आ गया पहले। उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ द सरफेस, नंबर टू एरिया,
सरफेस कौन सी है आपके पास? यहाँ पे सरफेस आपके पास ये है। अगर सरफेस आपके पास बिल्कुल स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी। एरिया आपके पास वाइडर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा उसके अंदर से पास कर जाएंगी। ठीक है, किस चीज़ पर पहला डिपेंडेंस है? लाइंस के ऊपर। लाइंस अगर ज़्यादा हैं कम हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस हिसाब से वेरी करेगा। और उसके बाद आता है एरिया। एरिया छोटा है फ्लक्स कम होगा, एरिया बड़ा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और तीसरी बात आती है इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन। कि अगर ये जो एरिया है ना आपका, अगर ये बिल्कुल इस टाइप की किसी डायरेक्शन में पड़ा हो, ये डायरेक्शन, तो बिल्कुल एक लाइन पास करेगी। जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन उसकी ओरिएंटेशन भी काउंट करती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में से गुजरने से। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है। लाइंस है, सरफेस एरिया है, और तीसरा क्या है? उसकी ओरिएंटेशन, कि वो एरिया किस तरह से उन लाइंस के ऊपर पड़ा। ठीक है, अब हमने पढ़ने हैं इसके स्पेशल केसेस। अब आते हैं आपके पास इसके स्पेशल केसेस। केस वन क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रख देते हैं किसके सामने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने। कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है किसी भी जगह पर, उसके सामने एरिया को हम किस तरह से रख देते हैं? परपेंडिकुलर। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखते हैं। ऐसे तो आपको समझ नहीं लगेगी, लेकिन मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एरिया को हमने कैसे रखा हुआ है? अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया को किस तरह से रख देना है? परपेंडिकुलर। एरिया परपेंडिकुलर पड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सामने से गुजर रही होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है, अब एरिया को किस तरह से रखना है? इसमें परपेंडिकुलर। लाइन्स की ये डायरेक्शन है, ठीक है, ई की, और एरिया हम लोग रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब एरिया अगर परपेंडिकुलर पड़ा है तो एरिया का वेक्टर एरिया क्या होगा? मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया है नॉर्मल टू द सरफेस, उसका वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो एरिया का वेक्टर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ई और ए। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या एंगल बन रहा है ई और ए के बीच में। अब यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा होगा ई की ये वाली डायरेक्शन है और ए की, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी कौन सी है? वही ई की डायरेक्शन में। तो अब हम देखते हैं फाई ई की वैल्यू क्या आती है आपके पास। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज थीटा। ई ए एज इट इज, और कॉज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। कॉज 0 पर हमें क्या वैल्यू देता है? मैक्सिमम। कॉज 0 इज इक्वल टू 1। तो फाई ई आपके पास आ जाता है 1। कॉस थीटा की जगह पर 1 और साथ में ई ए एज इट इज। तो इस वक्त फ्लक्स आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा। फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। और ये कब होता है? जब आपका एरिया जो है वो हम ई की डायरेक्शन में एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास केस नंबर 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में आपके पास आ जाता है 0 फ्लक्स। ठीक है, ये बात तो थी एज इट इज 0 फ्लक्स। अब 0 फ्लक्स किस तरह से आएगा वो हमें पता चलेगा ई और ए की ओरिएंटेशन से, कि ई और ए दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से पड़े हुए हैं। इसके लिए क्या है? व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पैरेलल को शो करने का
तरीका है और परपेंडिकुलर को शो करने का भी तरीका है। परपेंडिकुलर वाले केस को हम किस तरह से शो करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी ये डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा है, बाद में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली चीज़ें। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट और एरिया किस तरह से पड़ा हुआ है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए ये वाला सीधी लाइंस वाला सिंबल जो है वो यूज होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, फाई ई की वैल्यू क्या आ जाती है, ई ए कॉज थीटा। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता। थीटा की वैल्यू किस तरह से पता चलेगी, जब हम इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ ड्रॉ करेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमने एरिया को किस तरह से रखना है, पैरेलल। जिस डायरेक्शन में ई पड़ा है उसी डायरेक्शन में क्या पड़ा होगा, ए। पैरेलल एरिया जो है वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब पैरेलल के केस में क्या होगा, लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, बीच में कहीं पर एरिया पड़ा है आपके पास। एरिया के लाइंस या तो ऊपर से पास कर जाएंगी या फिर लाइंस जो है वो एरिया के नीचे से पास कर जाएगी, एरिया के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस केस में फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू होगी। लेकिन ये तो फिजिकली हमने इसको देख लिया, डायग्राम से देखने से पता चल जाएगा कि लाइंस ऊपर से गुजरेगी या फिर नीचे से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मैथमेटिकल इसका प्रूफ चाहिए, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एंगल की वैल्यू चाहिए। तो अगर एरिया पड़ा है पैरेलल तो इसका एंगल किस तरफ को होगा, ये एरिया की डायरेक्शन है और एंगल इसका होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल इसका बनेगा ऊपर की तरफ। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसके वेक्टर एरिया की। ठीक है, ई इस डायरेक्शन में है, एरिया ऊपर वाली डायरेक्शन में है। ई और ए के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पे पुट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जीरो। ई ए इंटू जीरो, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, जीरो। तो इस केस में जब हम एरिया को पैरेलल प्लेस करेंगे तो फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, जीरो वैल्यू होगी। ये आपके दो केसेस हो गए। अब आपके पास आता है केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री क्या है, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, केस थ्री, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे की वैसे ही पड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन एरिया किस तरह से आ गया है, इंक्लाइंड, बिल्कुल टेढ़ा होके किसी एंगल पर आ गया है एरिया। ठीक है, इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, बिल्कुल सीधी, जिस तरह हमने पहले दो केसेस में ड्रॉ की। पहले एक दफ़ा क्या हुआ था, एरिया इस तरह से आ गया था, दूसरी दफ़ा एरिया इस तरह से आ गया था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एरिया की क्या डायरेक्शन आ गई है, बिल्कुल रोटेट हुई हुई, बिल्कुल टेढ़ी किसी एंगल पर। ठीक है, अब ये ई की डायरेक्शन है और ये वाला है एरिया टेढ़ा। तो एरिया तो ये सामने आपको पड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका वेक्टर एरिया भी किस तरह से होगा, वो भी एंगल पर जाएगा। अगर एरिया इस तरह था तो उसका वेक्टर इस तरह था। ठीक है, अगर एरिया जो है वो सीधा था तो उसका दूसरी डायरेक्शन में, उसका मतलब 90 डिग्री पर जो है वो वेक्टर एरिया आपका लाई करता है। लेकिन अगर एक चीज़ पहले से ही इस डायरेक्शन में है तो उसका वेक्टर एरिया भी क्या होगा, वो भी एंगल पर ही जाएगा। ठीक है, ये हो गए इसके वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा एग्जिस्ट करता है, थीटा। अब जब इस तरह का केस हो तो तब हम एंगल की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले दो केसेस सिंपल थे, एक में 90 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू, एक में 0 डिग्री आ गई। लेकिन अब ये एंगल है, डिफरेंट एंगल है। ठीक है, आपको याद होगा अपने नाइन्थ क्लास फर्स्ट ईयर में
डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि दो तरह के वेक्टर्स होते थे और आप लोग क्या करते थे, एक की प्रोजेक्शन ले लेते थे दूसरे के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये एरिया है ना, पूरा पूरा बॉक्स जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एरिया को। अब हम ए की प्रोजेक्शन लेंगे किसके ऊपर, ई के ऊपर, ठीक है। ए की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, फील्ड के ऊपर। तो अब हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, फाई ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। ई ऐसे ही आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एज इट इज़ मौजूद है, लेकिन एरिया आपके पास क्लियर नहीं है। एरिया की वैल्यू आप लोग किस तरह से लिखोगे, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब फाई ई को आप लोग किस तरह से लिखोगे, ई ऐसे ही इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई का क्या मतलब है, कौन सा फैक्टर आएगा यहां पर, ए का कॉस थीटा, कि एरिया का जो कॉस थीटा वाला एलिमेंट है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है, आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए हम कॉस थीटा लेते हैं और वाई एक्सिस के लिए हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो एरिया का कॉस थीटा वाला एलिमेंट जो है वो इस डायग्राम में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लिखेंगे ई इंटू ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। फाई ई, फाई ई की वैल्यू तीन जगह पे आप लोगों ने देख ली है, कहीं पे जीरो है, कहीं पे ई ए है, और यहाँ पर ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे हम थीटा की क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, ये ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट की जाएगी तो ही थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। अब लास्ट पे आता है इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। ई का क्या यूनिट आप लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वेयर। तो इसको लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, ये हो गए इसके यूनिट्स। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक है आज का आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या देखी है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। ये हमने उसकी बेसिक चीज़ें हमने देख ली कि ये क्या होता है। अब हमने किस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस जगह पर जो कि बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस एक स्फीयर की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई और शेप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल राउंड ही हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं। स्फीयर का क्या मतलब होता है, जो कि बॉल की तरह हो। सर्कल और स्फीयर में फ़र्क होता है, सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं प्लेन के ऊपर और जो स्फीयर होता है वो राउंड, जिस तरह आपकी फ़ुटबॉल की शेप होती है या एक बैलून ले लो, ठीक है ना। अब बैलून जो है ना आपके पास, उसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में आपने क्या चीज़ रख दी है, एक प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया है, और उस सर्कल का, उस स्फीयर का रेडियस आपके पास क्या है, आर। आर रेडियस का स्फीयर आपने लिया है, उसके बीच में एक चार्ज रख दिया है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। और फिर उसके बाद क्या है, आपने अब यहाँ पर इस स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। पहले का आपके पास जो नॉलेज है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, आप अभी तक सिर्फ ये जानते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आप किन सरफेसेस के लिए, आपको पता है इसका, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, आपने पीछे तीन केसेस पढ़े, तीनों में सरफेसेस कैसी थी, फ्लैट सरफेसेस थी। कहीं पर आपने देखा कि जो आपका एरिया था वो गोल हो या कहीं पे किसी और शेप का हो, वो बिल्कुल फ्लैट था। तो अब ये स्फीयर तो है, स्फीयर आपको पता है एक बैलून है, अगर चार्ज इसके बिल्कुल सेंटर में पड़ा है तो चार्ज की फील्ड कैसी होगी, उस चार्ज की फील्ड बिल्कुल सेंटर में पड़ा है तो पूरे के पूरे बैलून के ऊपर इवनली स्प्रेड होगी चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला किसी भी राउंड सरफेस के ऊपर नहीं लगा सकते, तो अब इस राउंड सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की हमारे पास कौन सी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी राउंड सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पैच कंसीडर कर लेते हैं। किस तरह का पैच, ये देखें कि ये आपके पास पैच है, ठीक है, इसका एरिया है ए, ठीक है। ये पैच आपने कंसीडर कर लिया, अगर एक पूरी गोल सरफेस के ऊपर आप एक छोटा सा बॉक्स कंसीडर करते हो तो वो किस तरह से अज्यूम होगा आपको, कि इट अज्यूम्स टू बी फ्लैट,
ठीक है, उसको भी हम फ्लैट ही कंसीडर करेंगे। तो एक ये बिल्कुल स्मॉल एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन है इसकी एरिया की, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होने वाली फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो किस तरह से मूव करती है, आउटवर्ड मूव करती है, जहाँ से वो निकल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो वहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की क्या डायरेक्शन होगी, वो भी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, एरिया हो या ई हो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक पैच के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं ना करना, हमने तो पूरे के पूरे बैलून के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब पैचेस कंसीडर करने वाला काम आप लोग फर्स्ट ईयर में भी करते आए हैं, जहाँ पे वर्क डन के बारे में, वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, तो जो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना के हमने कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पैचेस हमने थ्रो आउट द बैलून उसके पूरे सरफेसेस को पैचेस के साथ कवर कर लेने, ठीक है, पूरे। अब ये एक एरिया है, हमने पूरे बैलून को फ्रंट साइड पर भी, बैक साइड पर भी इवनली वेक्टर एरियाज कंसीडर कर लेने हैं। वेक्टर एरियाज की वैल्यू क्या क्या होगी वो यहाँ पे लिखते हैं। ये वैल्यू होगी डेल्टा ए वन पहला एरिया, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन, एन तक हम इसके एरिया की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये पूरे एरियाज हो गए। अब हर हर एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैसे तो हम जब जनरलाइज करते हैं इस चीज़ को तो हम ये कहते हैं कि पूरे बैलून के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या उसकी वैल्यू जो है वो इवनली स्प्रेड है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उन हर हर एरिया के अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, ई वन, ई टू, ई थ्री, ई फोर, अप टू ई एन, हर एरिया की अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो अब हम हर हर पैच की फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं इसकी, मैथमेटिकल वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो पैच वन, पैच वन के अलोंग फ्लक्स की वैल्यू फाई ई वन, पहले के अलोंग ये क्या आ जाएगी, ई वन डॉट डेल्टा ए वन। ठीक है, इसी तरह अलोंग पैच टू फाई ई टू इज इक्वल टू ई टू डॉट डेल्टा ए टू, फाई ई के अलोंग फाई ई थ्री, ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री, अप टू सो ऑन, हमने कहाँ तक जाना है, वन टू थ्री से एन तक। अब हम लिखेंगे वैल्यू फाई एन की, फाई एन इज इक्वल टू ई एन डॉट डेल्टा ए एन। ठीक है, ये एंड तक वन टू थ्री से लेके अप टू सो ऑन हमने एन तक इसके पीसेस किए हैं, वहाँ तक हमने इसकी वैल्यूज देख ली। अब ये फ्लक्स है किस तरह से, हर हर पॉइंट का अलग फ्लक्स, लेकिन हमने फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, पूरी राउंड सरफेस का एक सिंगल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पैच टू पैच हमने कलेक्ट कर लिया, अब इन्हीं पैचेस को हम प्लस करके, सम अप करके हम एक कंप्लीट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल फ्लक्स लिख लेते हैं यहां पर, फाई फाई लिख लें या फाई ई लिख लें, एक ही बात है, फाई ई इज इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू, फाई ई थ्री, अप टू सो ऑन फाई ई एन, ये टोटल फ्लक्स। अब हर फ्लक्स के नीचे उस उसकी वैल्यू, ये वही पुराना तरीका जो आप लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं। पहला है E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN, ये हो गई इसकी डॉट्स में, डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू सबकी। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में लिखने के लिए ये E के ऊपर सब पे वेक्टर साइन आएगा,
लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं तो वो क्या चीज़ होती है, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हम इन सब को एक्सपेंड करते हैं, ई वन डेल्टा ए वन कॉस थीटा, ठीक है, फिर प्लस, अब थीटा की वैल्यू देख लेते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि ये हर जगह पे सेम ही हो, ठीक है, थीटा के साथ भी 1 2 3 लिख लेते हैं, ई टू डेल्टा ए टू और कॉस थीटा टू प्लस अप टू सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन कॉस थीटा एन, ये सारी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। तो पूरी की पूरी मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ई वन डेल्टा ए वन और कॉस थीटा की फॉर्म में लिख ली। अब हम डायग्राम पे जाते हैं और देखते हैं कि ई और ए के बीच में रिलेशन कैसा है, मतलब ई और ए के बीच में जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसकी क्या वैल्यू है। ई और ए दोनों में एंगल क्या है, ई और ए के बीच में एंगल ज़ीरो है, ये पहले पैच की बात थी। दूसरा पैच, क्योंकि राउंड सरफेस है, राउंड सरफेस पे हर जगह पर ई और ए के बीच में एंगल की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो डिग्री होगी, क्योंकि राउंड है। अगर शेप हो ना, कोई स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगल, तो पॉइंट टू पॉइंट उसकी चीज़ें मे भी वेरी कर जाएं, ई और ए की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या क्यूबिकल शेप हो, क्यूबिकल शेप हो तो भी ई और ए की वैल्यू वेरी कर सकती है, ई और ए की वैल्यू वेरी कर सकती है, साथ में थीटा की वैल्यू भी वेरी करेगी। लेकिन इस केस में क्या है, बिल्कुल राउंड सरफेस है, सो आपके पास जो थीटा है वो पूरी की पूरी जगह पर ज़ीरो डिग्री ही रहेगा। सो हर पैच में कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो डिग्री, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे फैक्टर की, कॉस थीटा कॉस ऑफ ज़ीरो डिग्री, और ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास वन। तो अब अगर हर जगह पर कॉस थीटा वन, ज़ीरो डिग्री, ये भी ज़ीरो डिग्री, वो भी ज़ीरो, तो सबकी जगह पर वन वन आ जाएगा, तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो कितना बच जाएगा, ई वन डेल्टा ए वन प्लस ई टू डेल्टा ए टू प्लस अप टू सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। अब एरिया जो है उसके साथ हमने डेल्टा लगाया है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़, उसकी वैल्यू जो है वो हमने E1, E2, E3 रखी है। अब आपको पता है चार्ज जो है वो स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, सो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इवनली स्प्रेड हुई हुई है पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर, पूरे बैलून के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, उसको आप लोग क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू EN, ये सारी की सारी एक दूसरे के बराबर हैं। सो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं एक वैल्यू के साथ, क्योंकि E1, E2, E3 की अलग अलग वैल्यू तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी सेम है, हर पैच के ऊपर, हर बॉक्स के ऊपर E की वैल्यू जो है वो सेम है। किस वजह से सेम है, क्योंकि स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो पूरे राउंड सरफेस के ऊपर एक जैसी स्प्रेड हुई हुई है, तो इसको बराबर कर लेंगे हम E के। अब फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, फाई ई या फाई टोटल, टोटल फ्लक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा, ई इंटू, ई सब में कॉमन था हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन, ये आ गई आपकी एरिया की वैल्यू। अब आप और इसको सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, ई ऐसे ही, अब ये सारे वैल्यूज़ किस चीज़ की हैं, एरिया की, एरिया इनक्लोज्ड थ्रू सरफेस, एरिया इनक्लोज्ड थ्रू सरफेस, के इस सरफेस में जितना भी एरिया मौजूद है वो सारे का सारा आपके पास क्या है, फाई ई, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इनक्लोज्ड थ्रू सरफेस, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इनक्लोज्ड थ्रू सरफेस। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई की क्या वैल्यू है आपके पास, थोड़ा पीछे जाएँ और इसको रिवाइंड करें, ई की वैल्यू क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये ई की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को इंटर करके आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब हम ई की जगह पर ये वैल्यू लगाएंगे। और दूसरी बात, चार्ज इनक्लोज थ्रो सरफेस, एरिया इनक्लोज थ्रो सरफेस, कौन सी सरफेस है? राउंड सरफेस। एट क्लास में आपने राउंड सरफेस का, स्फीयर का एरिया निकालने का तरीका फाइंड आउट किया था। क्या तरीका था? एरिया, किसी भी स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है? 4πr². एट क्लास में आपने ये पूरा ड्रॉ करके इसको निकालना सीखा था, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह पर क्या आएगा? 1/4πε₀Q/r² और साथ में एरिया, एरिया की क्या वैल्यू है? 4πr². अब देखते हैं किस चीज़ की कटिंग हो सकती है। 4π के साथ 4π कट गया, r² के साथ r² कट गया, तो फाई की, फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई? Q/ε₀, ठीक है। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया, फ्लक्स थ्रो आ क्लोज्ड सरफेस कितना आ गया? फाई ई इज इक्वल टू Q/ε₀, ठीक है। अब सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लक्स जो है वो हम एक बिल्कुल राउंड सरफेस का ही कलेक्ट करें, हम फ्लक्स किसी भी राउंड शेप के अलावा कोई और शेप भी हो सकती है, लेकिन वो शेप इनक्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल स्फीयर होना ज़रूरी नहीं है, उस शेप का इनक्लोज्ड होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और शेप बनाकर दिखाती हूँ, उसका भी फ्लक्स जो है वो, उसकी भी यही वैल्यू होगी, क्योंकि चार्ज जब बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है ना किसी भी क्लोज्ड सरफेस के, तो वो हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम रखता है उसके ऊपर। अब एक और शेप है ये शेप, ठीक है, इसके बीच में प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसके जो हम पैचेस वगैरह बनाएंगे, वो भी सारे पैचेस की वैल्यू जो है वो सेम होगी, जिस तरह आपने पढ़ा था Δa₁, Δa₂। इसके अंदर भी बना लेते हैं, किस तरह से आएंगे वो, ये भी आउटवर्ड मूव करेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि डिफरेंट, ये एक पॉजिटिव चार्ज से पैदा होने वाली फील्ड है। तो यहाँ पर भी हर हर पैच के अंदर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सरफेस आपकी बिल्कुल राउंड हो, सरफेस आपकी कोई भी शेप की हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये लाजमी है कि उस सरफेस का इनक्लोज्ड होना ज़रूरी है। अब इससे कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं कि या राउंड सरफेस हो या फिर कोई और सरफेस हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। और फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और फाई ई जो है अब वाला इनक्लोज्ड प्रॉपर फाई ई जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके बराबर है? ई डॉट ए के बराबर, ठीक है। लेकिन जब हम कोई केस ले लेते हैं, कोई क्लोज सरफेस ले लो या कोई और सरफेस, तो क्लोज सरफेस के केस में फाई ई जो है वो Q/ε₀ आता है, तो वो चार्ज की नेचर पर तो डिपेंड नहीं करेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट होने वाली फील्ड होगी तो भी फ्लक्स की वही वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव चार्ज से पैदा होने वाली फील्ड होगी तब भी फ्लक्स की वही वैल्यू आएगी। ओके, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। फिर हम इसके कंक्लूजन्स देख रहे हैं। पहला कंक्लूजन तो हमने यही देखा कि शेप पर डिपेंड नहीं करती, शेप या ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, शेप राउंड हो या शेप कोई और हो, ज्योमेट्री कोई भी हो, लेकिन होनी इनक्लोज चाहिए, उस पर वो डिपेंड नहीं करती। ये इसका फर्स्ट कंक्लूजन है। और सेकेंड वाला क्या है कि किसी भी सरफेस का जो सरफेस इनक्लोज्ड का जो फ्लक्स होगा ना, वो मीडियम के ऊपर या फिर चार्ज इनक्लोज्ड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फ्लक्स कुछ और तरह का होगा, अगर यही चार्ज पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव कर दें तो वो बिल्कुल हर चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मीडियम पर और चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स, दो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, इन सब की डिटेल मैथमेटिकल फॉर्म आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली है। तो अब हमारा लास्ट और थर्ड टॉपिक कौन से वाला है? गॉसेज लॉ, ठीक है। गॉसेज लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 1/ε₀ टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट।
चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। ठीक है, सरफेस आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, वो इरेगुलर भी हो सकती है। पिछले टॉपिक में ये वाला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बिल्कुल राउंड स्फीयर सरफेस को लेके सारी एक्सप्लेनेशन की है और बाद में थोड़ा सा जिक्र किया है एक इरेगुलर शेप का। ठीक है, अब यहाँ पर हम गॉसेस लॉ की एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, हम एक इरेगुलर शेप की ज्योमेट्री लेंगे जिसके ऊपर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। हम एक्सप्लेनेशन पर, गॉसेस लॉ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक इरेगुलर शेप की ज्योमेट्री जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री के ऊपर क्या है, चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो स्प्रेड हुए हुए हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं वो अब हम इसके ऊपर बना लेते हैं। चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 अप टू Qn। इस ज्योमेट्री के ऊपर, इस शेप के ऊपर चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो स्प्रेड हुए हुए हैं, उनके नाम हमने रख लिए हैं Q1 टू Qn। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है इस शेप के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो कि हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी गॉसेस लॉ की। अब पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, एक राउंड स्फीयर था एक, और उसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज पड़ा हुआ था। एक चार्ज किस तरह से पूरे के ऊपर स्प्रेड हुआ, उस सारे की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखी। ठीक है, वो था उसके मुताबिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती थी, φe इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, के आपका पिछले टॉपिक का है। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि स्प्रेड हुए हुए हैं, तो अब हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कोई सिंगल एक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत सारे फ्लक्सेस हैं, हर चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो अलग से होगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स, इज इक्वल टू φe। ठीक है, और φe फर्दर किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सो ऑन φn। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स। अब हर फ्लक्स की φ1 φ2 φ3 की क्या वैल्यू होगी, φ1 के अलोंग फ्लक्स कितना होगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 के अलोंग फ्लक्स कितना होगा, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। जितने चार्जेस हैं उसी हिसाब से फ्लक्स होगा आपके पास। φe इज इक्वल टू क्या आएगा, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं कि इस पूरी टर्म के अंदर क्या चीज़ आपके पास कॉमन आ सकती है। कॉमन क्या आएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ बचेगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn। ठीक है, ये हो गया। अब इस सारे Q को, Q1, Q2, Q3, ये सब क्या हैं, ये एक सरफेस के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि डिफरेंट है। Q1 की और वैल्यू है, Q2 की और Q3 की और, लेकिन ऑन दी होल हम इसको क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, कि इस ज्योमेट्री, इस शेप के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ गया यहाँ पर। अब टोटल चार्ज को Q1, Q2, Q3 ये जो सम है, किस चीज़ का सम है, उसको एक सिंगल चीज़ के साथ रिप्लेस कर लो, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू। ये आपकी गॉसेस लॉ की फाइनल स्टेटमेंट है, और ये कैपिटल क्यू किसके बराबर है, Q1, Q2, Q3 मतलब जितने भी चार्जेस हैं उन सब का सम। दिस इज दी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, φe इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। That's all for today's lecture. Thank you.